बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं चाहती हूँ शोहर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा हम मिसरी करें, मगर वो साल में 2-3 दफ़ा करता है और मैं इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। मौलाना साहब, देखें, आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए। इस बहन का मसला क्या था वो मैं ज़रा अपने अंदाज़ में आपको समझाता हूँ। ये बहन कहती है कि मेरे शोहर तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा उनको मसला नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया, उनको मेरी तरफ माइल करती हूँ लेकिन वो माइल नहीं होते, बस ऐसे हमारे बच्चे हो गए हैं। दिली सुकून मुझे नहीं अपने शोहर से मिला अभी तक। मैं चाहती हूँ कि शोहर हफ्ते में कम से कम 2-4 दफ़ा कर लें, लेकिन वो कम वक्त करते ही नहीं है। वो बड़े मुश्किल से साल में 1-2-4 दफ़ा करते हैं, 4 महीने में, और जब करते हैं तो मतलब पूरा करके चले जाते हैं। मैं इस पर पहले भी आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं इस मौजू पर। देखिए, ये मसला कोई नाजुक मसला नहीं है, ये मसला बहुत अहम मसला है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर शोहर का रवैया ऐसे ही रहा, देखिए ना, जैसे जैसे आपने देखा है कि शोहर बीवी को बुलाए और बीवी ना आए तो बीवी गुनहगार होती है, ऐसे अगर बीवी अपनी ख्वाहिश के लिए शोहर को बुला रही है तो उस सूरत के अंदर शोहर को चाहिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करें, ठीक है ना। तो एक तो ना बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना, यानी कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना कि रोज़ रोज़ करो, वो तो जैसे मिसाल के तौर पर मर्द के लिए हुक्म ये है कि अगर मर्द बीवी से बीमार है बीवी और फिर उसके बावजूद बुलाते तो इनकार कर देती है तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, या फिर हालत हैज है तो इनका कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा कर रहा है बहुत ज़्यादा गुनाह, इनका कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मर्द तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, हम मिस्त्री कर सकता है, ख्वाहिश पूरी कर सकता है, तो उसे चाहिए कम से कम कर ले बीवी के साथ, उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। देखिए, इसके अंदर कोई मुद्दत मुतय नहीं है हमें कब तक करनी चाहिए, ये तो जब भूख लगे खाना खा लेना चाहिए, लेकिन अतिबा इसके बारे में कहते हैं कि हम महीने में एक दफ़ा कर लें, ज़्यादा तलब हो तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, ठीक है, अगर जिससे ज़्यादा हो तो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लिया जाए, तो इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखो, रोज़ कर सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिट होती है उसके मुताबिक चला जाए तो इसमें फ़ायदा होता है। तो इस सूरत के अंदर अगर शोहर अपनी बीवी का हक़ ज़ोचे अदा नहीं करेगा तो फिर अनकरीब वो इस चीज़ को देखे कि उसकी बीवी कहीं, अल्लाह ना करे, मैं कभी ये नहीं कहता, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि वो अपनी गलत तरीके से ख्वाहिश को पूरा करे। अब वो गलत तरीका मुशतरी भी हो सकता है, वो गलत तरीका आपसे तलाक की सूरत में भी हो सकता है, वो गलत तरीका जिना की शक्ल में, सो कोई मसला हो सकता है, तो इसका सरासर गुनाह आपको मिल सकता है, क्योंकि आप उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उसके खाविद हैं, आपका हक बनता है, जिस तरह उसका खर्चा उठा रहे हैं, उसको रहन सहन के लिए घर दे रखा है, तो इस तरह उसकी ख्वाहिश भी पूरी करें। हाँ, अगर वो हद से ज़्यादा आपसे कह रही है और या बीमार है या अब इसकी ताकत अभी फ़िलहाल ही रख रहे बीमार है या कोई ऐसा, तो फिर आप, ज़ाहरी बात है कि बुखार है कोई, तो इनकार का मसला नहीं है। एक बीमारी होती है नाबर्दी वाली, देखिए ये भी बहुत बड़ा मसला है, अगर नाबर्दी वाली बीमारी है तो उस सूरत के अंदर अपना आप इलाज करवाएं, ठीक है ना। अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो उस बेचारी को छोड़ दें, आप उसको कैद कर कर मत रखें अपने पास आप, ठीक है ना। तो ये सूरतें थी, अगर आप ठीक है तो करें, अगर नहीं है तो फिर जो सहरा अपना इलाज करवाए, अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर उस बेचारी को उसके हाल पर छोड़ दे, वो अपना निकाह कहीं और कर सकती है। शरीयत ने दिया हुआ तलाक दे दो, खुला ले ले, और भी शरीयत ने रखे हैं तरीके। तो ये था आज का मसला, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।